करवा चौथ का पर्व है जिसको लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्सुकता रहता है, उसी विषय में बेतिया की एक शिक्षिका हमारे साथ हैं, अर्पना सिन्हा। चेहरा और नाम बहुत जाना पहचाना है, लोग जानते हैं और अच्छे सभी छवि के लिए जाने जाती हैं, अपने विवाहक आवाज़ के लिए जाने जाती हैं। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि करवा चौथ है क्या चीज़। मैम स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। करवा चौथ है क्या चीज़? करवा चौथ एक आस्था से सनातन धर्म से संबंधित एक त्यौहार है जिसे महिलाएं बहुत ही शौक से करती हैं, और शौक ही नहीं, इसके लिए मैं यूं कहूं कि काफ़ी एक्साइटमेंट, बहुत उत्सुकता होती है इस व्रत को लेके। काफ़ी लोग मतलब कि उत्सुक रहते हैं कि करवा चौथ आ रहा है, करवा चौथ। बिल्कुल, करवा चौथ आ रहा है। महिलाओं के साथ साथ उनके पति जिनकी आस्था होती है वो दोनों व्रत रखते हैं एक दूसरे के लिए। हाँ, इसमें तो भाई साहब करवा चौथ में पति और पत्नी दोनों व्रत रखते हैं? नहीं, सब जगह नहीं। जिनकी आस्था, जिनके पुरुषों की आस्था होती है, जैसे महाशिवरात्रि का व्रत पति पत्नी दोनों साथ में भी करते हैं और मैक्सिमम औरतें करती हैं, तो इस तरह की बात। इच्छा के अनुसार, इच्छा के अनुसार है ना, तो ऐसे दोनों व्रत रखते हैं। और चूंकि इसमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान आशीष परमपिता परमेश्वर भगवान शिव और प्रथम पूज्य गणेश भगवान की पूजा होती है, और एक कारवा माता की पूजा होती है जिनकी बहुत प्रसिद्ध कथाएं भी प्रचलित हैं, तो उन्हीं माता को हम प्रणाम करते हैं और श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं और अपनी सास के लिए भी पकवान और कुछ मिष्ठान चढ़ाते हैं, उनको देते हैं, क्योंकि उसी सासू माँ ने हमें अपने बेटे को, अपने बेटे को हमें दिया है, और हम एक सौभाग्यशाली, एक सुहागन स्त्री बनने के लिए काबिल बनाया है, तो उनको देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा सुहाग अखंड रहे और बना रहे। यही है करवा चौथ। और एक बड़ा गंभीर सवाल है, अच्छा, कि जैसे एक चलने का जो राज है कि लोग जो पत्नियां हैं या जो महिलाएं हैं, हाँ, चलने में अपने पति को देखती हैं, उसके पीछे क्या रहस्य है? अरे आपने बहुत सुंदर सवाल हमसे पूछ लिया। उसके पीछे ये रहस्य है सर कि चलने का काम क्या होता है, चलनी का काम होता है अवांछनीय पदार्थों को ऊपर छान लेना और शुद्ध प्योरिटी को नीचे निकालना है, इसलिए हम लोग छलनी का प्रयोग करते हैं, जैसे आटा को छानना हुआ, सूजी, मैदा, ये करते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि चलनी में जिस तरफ से हम छानते हैं वो हिस्सा पत्नी के तरफ होता है, और छन के जिधर जाता है वो हिस्सा उनके पति के तरफ होता है। इसका मतलब हो गया कि पति के जीवन में आने वाली सारी विघ्न बाधाओं को छननी स्वरूप छान के आपकी तरफ जाए और सारी बुराई, सारे कष्ट, सारे दुख ये मैं ले लूं, यही रहस्य होता है। सारा कष्ट हमें, सारी बलाएं तुम्हारी मैं ले लूं और आप खुश रहो, और आपके खुश और आपके जीवंतता से मेरा सुहाग बना रहे और हम दोनों युगो युगांतर तक खुश रहे, यही रहस्य है। तो अभी आप देख रहे थे अर्पना सिन्हा को, जिन्होंने सवालों का जवाब बड़े मजेदार तरीके से इन्होंने दिया है। करवा चौथ के अवसर पे 2024 की सभी उन प्यारी प्यारी महिलाओं को जो करवा चौथ का व्रत रखती हैं और नहीं भी रखती हैं, सबका अखंड सौभाग्य बना रहे, यह शुभकामना मेरी तरफ से प्रेषित करती हूँ, धन्यवाद। तो आप देख रहे थे और सुन रहे थे अर्पना सिन्हा को, जिन्होंने विवाकी पूर्वक जवाब दिए हैं सवालों का। खैर, करवा चौथ को लेकर आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।